हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। वी आर डूइंग आवर 10th पोयम द बेंगल सेलर, रिटन बाय सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू इंडियन पोइटिस्ट रही हैं। उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं और वो एक स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने गांधी जी के साथ मतलब कि उनका सहयोग किया था। और कांग्रेस जो पार्टी है उसकी प्रथम राष्ट्रपति भी बनी है। महिला राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रथम राष्ट्रपति भी रही हैं सरोजनी नायडू। जो नायडू जो नेम है उनका उनके हस्बैंड से मिला, उनके मतलब उनके हस्बैंड का सर नेम था नायडू। उनका जो जन्म है वो 1879 में हुआ था हैदराबाद में। और जिस टाइम इनका जन्म हुआ था उस टाइम मतलब कि बहुत ज्यादा बाउंडेशन थी कि लड़कियां हैं जो पढ़ेंगी कम, लेकिन फिर भी वो लंदन जाके पढ़ के आई थी। वो एक इंडियन पोइटिस्ट हैं और नेशनल लीडर भी रही हैं। मैंने आपको बताया था कि वो पहली राष्ट्रपति थी कांग्रेस पार्टी की महिला पहली राष्ट्रपति सरोजनी नायडू थी। पोयम जो है वो पोयम का जो नाम है वो बेंगल सेलर है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि जो ये पोयम है इस किसी बेंगल सेलर के बारे में है। पोयम है जो वो नरेट कर रहा है एक बेंगल सेलर, मतलब कि एक ग्रुप है बेंगल सेलर का। बेंगल मतलब चूड़ियाँ और सेलर मतलब कि बेचने वाला, चूड़ियों को बेचने वाला एक ग्रुप है जिसमें से कोई एक व्यक्ति जो चूड़ी बेच रहा है वो उस पूरी स्टोरी को नरेट कर सॉरी उस पोएम को है जो नरेट करता बताता है पोएम में क्या क्या है। मतलब कि एक ग्रुप है बेंगल सेलर्स का, वो चूड़ियों को बेचने जा रहा है मार्केट में। तो वो मतलब कि जो पूरी पोएम है वो नरेट करता है। जो पोएम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। बेंगल सेलर नाम है पोएम का, सिर्फ उसके अंदर बेंगल्स के बारे में बातें हुई है, सेलर्स के बारे में कोई बात नहीं हुई। एक ग्रुप है सेलर्स का जो चूड़ियों को बेचने जा रहा है। और जो ये पोएम है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो मिडन, ब्राइड और मिडल एज। क्या है जो बेंगल्स है जो चूड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा तरीके की मतलब बहुत ज़्यादा तरह की है। इसमें जो सरोजनी नायडू है उन्होंने जो पोएम को लिखा है वो इस उद्देश्य से लिखा है कि जो एक लड़की है उसको उसके 3 स्टेज के बारे में कि मतलब वो मिडन मतलब एक लड़की होती है, वो कुंवारी होती है, फिर उसकी शादी हो जाती है ब्राइड, और फिर मिडल एज जो वो मिडल एज आ जाते हैं जब वो मैच्योर हो जाती है उस एज के बारे में, उस एज में इन तीनों एजों में जो लड़कियां हैं वो चूड़ियां कैसी पहनते हैं उनके बारे में लिखा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेंगल सेलर्स आर वी हु बियर आवर शाइनिंग लॉर्ड्स टू द टेम्पल फेयर, हु विल बाय दिस डेलिकेट ब्राइट एंड रेनबो टिंटेड कलर सर्कल्स ऑफ लाइट लस्ट्रस टोकन ऑफ रेडियंट लिव्स फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स। जो ग्रुप है बेंगल सेलर्स का वो एक उसमें मेले में जा रहे हैं, फेयर में जा रहे हैं। वेयर का मतलब होता है उन्होंने कैरी किया हुआ, उठाया हुआ है। बेंगल सेलर्स आर वी हु बियर, हम बेंगल सेलर्स हैं। एक ग्रुप है बेंगल सेलर्स का जो कि मंदिर की तरफ जा रहे हैं, जो मंदिर में एक मेला लगा हुआ वहाँ पर जा रहे हैं, जिन्होंने उठाया हुआ कैरी किया हुआ है अवर शाइनिंग लॉर्ड्स। शाइनिंग मतलब कि चूड़ियों का जो भोज है उनको उठाया हुआ है, सुंदर जो चूड़िया है उनके भोज को उठाया है टू द टेम्पल फेयर, जो मंदिर का जो मेला फेयर मतलब कि मेला उस मेले में जा रहे हैं, वो मंदिर के मेले में जा रहे हैं उस सारी चूड़ियों को उठाए हुए। और ये सारी बातें कौन बता रहा है, जो एक ग्रुप है बेंगल सेलर्स का, उनमें से कोई एक व्यक्ति है जो बेंगल सेलर है वो उस पूरी पोएम को नरेट कर रहा है। बेंगल सेलर्स हु वी बियर आवर शाइनिंग लॉर्ड्स टू द टेम्पल फेयर, ए ग्रुप ऑफ बेंगल सेलर्स इज गोइंग टू टेम्पल फेयर। एक मंदिर के जो मेला है उसके उसमें जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, सेल करने जा रहे हैं, क्या बेचने जा रहे हैं, सेल मतलब कि बेचना, क्या बेचने जा रहे हो, अपनी चूड़ियों को बेचने जा रहे हैं जो कि बहुत सुंदर हैं। और उसको उन्होंने उठाया हुआ है, उसके जो लोड है जो उसका वजन है उसको अपने सिर पे उठाया हुआ है, वो ऐसा बोल रहे हैं। अभी वो इन दो लाइनों में एडवर्टाइज कर रहे हैं या फिर पूछ रहे हैं पढ़ने वालों से रीडर से कि कुछ क्वेश्चन पूछ रहे, जैसे कि हु विल बाय दिस डेडिकेट ब्राइट रेनबो टेंटेड सर्कल ऑफ लाइट, हु विल बाय इन्हें कौन खरीदेगा, डेडिकेट कोमल, डेडिकेट का मतलब यहाँ पे कोमल शब्द से लिया गया, कोमल का इसका डेडिकेट का मतलब होता है कोमल, जो ये कोमल जो चूड़ियाँ हैं, जो ये ब्राइट चमकीली चूड़ियाँ हैं रेनबो टिंटेड। रेनबो आपने सुना होगा इंद्रधनुष, जो जो इसमें 7 कलर्स होते हैं। रेनबो टिंटेड सर्कल ऑफ लाइट, सर्कल ऑफ लाइट है, सर्कल ऑफ लाइट है जो उस चूड़ियों के लिए लिखा हुआ है कि जो जैसे कि सर्कल चूड़ियाँ गोल गोल होती हैं शेप में,
तो ऐसे बोला गया है कि जो ये सुंदर, जो ये रंग बिरंगी चूड़ियां हैं उनको कौन खरीदेगा। वो बेंगल सेलर है, वो पूछ रहा है या फिर वो एडवर्टाइज कर रहा है ऐसे बोल कर कि इन चूड़ियों को कौन खरीदेगा, कोमल और सुंदर चूड़ियों को कौन खरीदेगा, रंग बिरंगी जो चूड़ियां हैं उन्हें कौन खरीदेगा। लस्ट्रस यहाँ पर चमकदार या फिर शाइनिंग, टोकन, टोकन जब प्रतीक, जो ये लस्ट्रस, जो ये शाइनिंग, जो चूड़ियां हैं, जो टोकन है वो प्रतीक हो गया। ऑफ रेडेंट लाइव्स, रेडेंट लाइफ मतलब कि जो सुखमय जो जीवन है, जो सुखदाई जो जीवन है, सुखदाई जो जीवन है उसका प्रतीक है। क्या कौन प्रतीक है? जो चूड़ियां हैं, जो ये रंग बिरंगी चूड़ियां चूड़ियां हैं, जो चमकीली चूड़ियां हैं, लस्ट्रस जो बेंगल्स हैं, आर द टोकन ऑफ रेडिएंट लीव्स। वो टोकन है, वो एक प्रतीक है, एक सुखी जीवन का प्रतीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो चूड़ियां हैं वही, जो भी अगर किसी भी लड़की ने चूड़ियां पहने इसका मतलब कि वो अपनी जिंदगी से खुश है। जो पोइटेस्ट है सरोजनी नायडू, वो इन लाइनों के माध्यम से कहना चाहती है, फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स। और वो इस चीज का प्रतीक है कि मतलब कि जो चूड़ियां हैं वो किसके लिए है, हैप्पी डॉटर्स जो खुश लड़कियां हैं, और जो खुशी जो मतलब जो खुश लड़कियां हैं, जो खुश पत्नियां हैं उनके लिए चूड़ियां हैं। जो पोइटेस्ट है या फिर जो वो बेंगल सेलर है जो इस पोइम को नरेट कर रहा है, वो ये बताना चाहता है कि जो ये चूड़ियां हैं, जो ये रंग बिरंगी चूड़ियां हैं उन्हें सिर्फ वही पहनते हैं, मतलब खुशी का प्रतीक। जिस टाइम खुशी का टाइम हो उस टाइम को पहना जाता है। अगर मान लीजिए कोई विधवा हो रहा था तो वो उस चूड़ियाँ नहीं पहनती, तो वो उनकी ज़िंदगी में कोई खुशी की जगह नहीं, इसलिए उनको नहीं पहनते। ऐसे जो पोइटेस्ट वो बताना चाहते हैं कि जो ये सुंदर चूड़ी है वो प्रतीक है रेडिएंट लाइफ का, खुशी की जो जिंदगी है ना, खुशमय जो समय है उनका, उसका प्रतीक है। फॉर हैप्पी डॉटर्स, उन डॉटर्स के लिए जो खुश हैं, और उन पत्नियों के लिए जो खुश हैं, ये चूड़ियाँ उनके लिए हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।